हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। योगी सरकार दिसंबर से मार्च तक बांटेगी मुफ्त राशन, इनको मिलेगा लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक निःशुल्क राशन देगी। सरकार गेहूं और चावल के साथ ही 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल व 1 किलो आयोनाइज्ड नमक भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान ये घोषणा की थी। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा, पेट्रोल की कीमत के 70 रुपये तक आने में लगे 70 साल, लेकिन 7 साल में 100 रुपये हो गए। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत के 70 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने में 70 साल लगे, लेकिन महज 7 साल में ही पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कहा कि GST और कोरोना की वजह से छोटे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदूषण संकट को लेकर अब दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, बढ़ते हुए प्रदूषण संकट के बीच मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने 17 नवंबर तक सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का भी फैसला किया है। अधिकारियों ने सरकारी और निजी कार्यालयों को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज चीनी समकक्ष से करेंगे वर्चुअल मीटिंग। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदारी से प्रतिबंधित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को वर्चुअल रूप से मिलने वाले हैं। सत्ता संभालने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। बिडेन देश के इरादे स्पष्ट करेंगे और चीन के साथ अमेरिका की चिंताओं के बारे में भी बात करेंगे। ट्रेन बुकिंग रद्द करने की सेवाएं 7 दिनों के लिए 6 घंटे रहेंगी बंद। जी हां, रेल मंत्रालय ने कहा कि उसकी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम अगले 7 दिनों के लिए रात के व्यावसायिक घंटों के दौरान 6 घंटे के लिए बंद रहेंगी। यह गतिविधि 14 नवंबर से 21 नवंबर की रात 11:30 बजे शुरू होकर सुबह 5:30 बजे तक की जाएगी। इस दौरान टिकट आरक्षण, वर्तमान बुकिंग, रद्दीकरण, पूछताछ सेवाएं आदि उपलब्ध नहीं रहेंगी। पहली बार T20 चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। जी हां, दुबई में फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 18.5 ओवर में 8 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता है। ऑस्ट्रेलिया 14 साल के बाद पहली बार T20 चैंपियन बना है। 173 रन के लक्ष्य को कंगारुओं ने 18.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श ने सर्वाधिक नाबाद 77 रन बनाए। खाते में गलती से 1 करोड़ आने के बाद ब्रिटेन के शख्स ने खरीदा घर, बैंक ने वापस मांगी रकम। जी हां, ब्रिटेन के एक 54 वर्षीय शख्स के खाते में गलती से 1.9 करोड़ आ गए और बैंक द्वारा गलती से पैसे रखने को कहने के बाद उसने 2.36 करोड़ का मकान खरीद लिया। उसे दिसंबर 2020 से किस्तों में राशि मिलनी थी। बैंक ने अब रिफंड मांगा है और इसके लिए उसे लगभग 50,000 रुपये मुआवजे की पेशकश की है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।